हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो कल से हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और पूरी उम्मीद है एक अच्छे वर्ल्ड कप की, सेम जैसे हमारा इस साल का T20 वर्ल्ड कप हुआ था। काफी मैचेस आपको अच्छे देखने मिले थे और काफी बेहतरीन 10 टीमें हैं जो इस साल का वर्ल्ड कप, मेरे को हर साल देखिए वुमेन्स के क्रिकेट डाउन होते हैं ठीक है, पर इस साल आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे मैचेस मिले। तो पूरी उम्मीद है ये वर्ल्ड कप कम से कम अच्छे खासे मैचेस आपको बहुत तगड़े जैकपॉट्स मिलने के ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको प्रेडिक्शन कर दूंगा अभी और एकदम डिटेल में बात करेंगे। पहली हमारी टीम रहेगी गयाना ठीक है, इसमें हमारी टीम रहेगी बांग्लादेश, इसमें हम रहेंगे अल्टीमेट हैदराबाद के साथ। उम्मीद अब बारिश के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं ठीक है, इंडिया के मोस्ट ऑफ द आप मान के चलो अब बारिश थोड़ी कमी होगी या तो ना के बराबर होगी। इसमें हम श्रीलंका के साथ रहेंगे। ये इनके बीच के जितने भी मैचेस होते हैं 10 में से 8 मैच मान के चलो, इधर भी जो हुए एशिया कप के या जितने भी सब जैकपॉट होते हैं ठीक है। तो दोनों टीमें इक्वल तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको फिर बोलता हूं एशिया कप चैंपियन ऐसे ही नहीं है क्योंकि इनकी टीम अच्छी हो गई है ठीक है। इसके अलावा कनाडा ओमान में हम रहेंगे कनाडा के साथ ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में ही प्रेडिक्शन कर दिया। अब हम अंदर चलेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ट्रिपल एस एक भी मैच नहीं हारी है। देखिए क्लियर टेबल टॉपर क्या होता है इसके ऊपर मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि बंदों को काफी कंफ्यूजन है ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर पॉइंट में 2 का डिफरेंस हो तो आप उसको क्लियर टेबल टॉपर मान सकते हो, या विन का 2 का डिफरेंस हो। ये ऑलरेडी 4 मैच जीत गए हैं ठीक है, अभी भी अपने पास एक टीम है जो अनबीटन है, बट एक तरह से तो क्लियर टेबल टॉपर यही है। ट्रिपल एस सारा ही मैच जीत रही है, आप इनके साथ रहो ठीक है, सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ बोलना नहीं है। बाकी अब ये मैचेस अभी जो कल के जो पिच पे मैच हुआ है इट इज जस्ट मान के चलो 300 का विकेट है ठीक है, बाउंड्री लाइन इतनी छोटी थी तो अब ये करने ही वाले हैं ठीक है। टीकेआर बाहर हो गई, हमारी टीम टूर्नामेंट की टीकेआर थी एज यूजुअल, जैसा मैंने देखा कि उसमें फ्लड लाइट खराब हो गई जिसका कोई सेंस नहीं बनता। मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि काफी सारे टूर्नामेंट में फ्लड लाइट खराब हो जाना या तो बारिश हो जाना ठीक है, उसके बलबूते आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। भाई आप नेक्स्ट डे कराओ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कराओ, थोड़ा सा तो बैकअप रखोगे। फ्लड लाइट खराब हो गई, इतना बेहतरीन टीकेआर खेल रही थी, हालत खराब कर देती आखिरी में, उतना मतलब सेंसलेस है ठीक है। और जहां ओवर कम होंगे वहां अपने प्रेडिक्शन कोई काम नहीं आएगा, मैंने आपको बोला रेन अफेक्टेड या तो अगर ओवर कम होता है तो आप स्किप करना ही आपके लिए बेटर है ठीक है, क्योंकि भाई ये कोई प्रेडिक्शन नहीं हुई। 20 ओवर का मैच में 5 ओवर का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, ये आपको समझना है ठीक है। ये चीज मैंने आपको हर बार और क्लियर मतलब एकदम क्लियर रखा है अपने यहाँ पर कि रेन अफेक्टेड मैचेस अगर ओवर फालतू के कम हो रहे हैं या तो कोई एक मेन प्लेयर नहीं खेल रहा तो आप स्किप करिए ठीक है। मेरे को काफी उम्मीद थी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ टीकेआर से, बट जिस हिसाब की मतलब आप ये सोचो कि अचानक से फ्लड लाइट सही हो गई और इन्होंने 5 ओवर का मैच भी करा दिया, इसका क्या मतलब है। काफी बंदे बैठे होंगे टीकेआर पे, ऐसा हो सकता है एडवांस जो आपका ये कप रेट वगैरह होता है यहाँ तो इतना डिस्कस नहीं कर सकता, मतलब आखिरी मोमेंट पर फ्लड लाइट सही हो गया और 5 ओवर का मैच एकदम लास्ट मोमेंट पर स्टार्ट हो गया, तो ये सेंस बनता है आप खुद सोचो ठीक है। और मैं देख रहा था जॉर्डन का वो नो बॉल, ऐसे देखा जाता है तो जब पैर पकड़ाता है ना जब जमीन पे तब वो नो बॉल देखते हैं, वो पूरा बॉल फेंकने समय ये नो बॉल देख रहे थे, तो फुल चीटिंग हुई ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो इनको हरवाना ही था तो हरवा दिया इन्होंने ठीक है। तो बारबाडोस से मैच तो जीत गई है, पर ये मैं देखिए अपने टाइम के जो मैच नहीं होते ना मैं उसमें ज्यादा दिमाग लगाता नहीं क्योंकि मैं एक भी बॉल नहीं देख रहा हूँ ठीक है। अब कुछ नहीं बच गया, अब खाली हमारी टीम यही रह गई और हम इन्हीं के साथ रहेंगे, बाकी देखा जाएगा ठीक है। अब देखिए इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ एक बार और डिटेल में डिस्कशन करूंगा ताकि आप अगर वो ना देखे हो तो आप मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा ठीक है। BNRY कैंडिडेट दिलारा अख्तर ठीक है, BNBY आप मान के चलो, ये आते ही बाउंड्री मारती है, इसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है बहुत तगड़ा है ठीक है। मतलब ये बॉल को मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर थे जिनके एकदम बल्ले के मिडिल पे बॉल लगती है वो कुछ भी करे, तो ऐसे गिफ्टेड क्रिकेटर्स जो हैं उसमें एक दिलारा अख्तर है ठीक है। मुर्शिदा खास बाकी जितने भी प्लेयर है ना आप इनको मान के चलो ये 120 से ऊपर की टीम नहीं है ठीक है। ये पता नहीं कौन है किसको घुसाया, ये भी बहुत बॉल खाती है पर ये आउट नहीं होती, इसका मैक्सिमम टाइम रन यस होता वो आपको मिलेगा क्योंकि आउट ही नहीं होती ठीक है। प्लेयर में क्लास है बट वो उतना बढ़िया नहीं खेल पाती T20 के हिसाब से ठीक है। मेरी वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर है क्योंकि कप्तानी के दम पे काफी मैच जीता है। रितु मोनी के पास हिटिंग कैपेबिलिटी है, इनके पास हिटिंग कैपेबिलिटी है, सब अच्छा खेलते हैं, सबको ऊपर आना चाहिए। फहीमा खातून ठीक ठाक खेलती है, सुल्ताना खातून, नाहिदा करी सब बैटिंग तो कर लेते हैं बट 10 के 10 वाले प्लेयर है आप मान के चलो। मरूफ अख्तर टॉप क्लास की बॉलर, ये टॉप क्लास की बॉलर, तो इनको अगेन मैं बस इतना ही बोलूंगा बॉलर में कोई भी खेले, इसके अलावा रबिया खान का खेलना 100% श्योर है ठीक है। वो बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है, एकदम टॉप क्लास की लेग स्पिन करती है, तो इनके जो बॉलर्स हैं आप आंख बन के भरोसा कर लेना कि अगर ये 20 ओवर खेल दिए तो सामने ऑस्ट्रेलिया भी क्यों ना ये हालत खराब कर देंगे। अगर इनकी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग किसकी, बांग्लादेश की, ना ऑस्ट्रेलिया ना किसी की, इनके जो स्पिनर्स हैं इनके जो मरूफ अख्तर फास्टर्स हैं इसको ना खिलाएं, मैक्सिमम जहराना आलम से बेटर स्पिनर को खिलाए, टॉप क्लास की बॉलिंग लाइनअप है, अपनी बॉलिंग से सामने वाली टीम की हालत खराब कर देंगे, लिख के रख लो। अगर पहली बॉलिंग भी कर रही है तो आप सामने वाली टीम का वाइड डबल एसन भी कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना, नाट भी कर सकते हो, वो सब आप कर सकते हो, उतना डिटेल में आपसे नहीं बता पाऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप टूर्नामेंट की, मेरे को इसमें कोई शक नहीं है, मैंने आंख से देखा इनकी बॉलिंग करते हुए, तो कोई डरने की बात नहीं है ठीक है। अब इनकी टीम में देखा जाए तो इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया लास्ट के कुछ मंथ्स में, डार्सी कार्टर अच्छा कर रही है, सब ठीक ठाक है, पर इनकी जो मेन प्लेयर है वो ये दोनों है, लॉर्ना जैक्स थोड़ा मोटा मारती है, बाकी जो स्पिनर्स में इनकी अब्ताह मसूद अख्तर करती है, एक ओलिविया बेल है, इन्होंने भी काफी विकेट लिया, ऑफ स्पिनर है, ये ठीक ठाक करती है, क्योंकि बैटिंग लाइन अभी डीप पहुंचती है, बट जो ये दो मेन प्लेयर है ना बहुत अच्छा करते हैं। ये कैथरीन राइस तो टॉप क्लास की ऑलराउंडर है, इनकी टीम कहीं से कमजोर नहीं है, मैच भले ही अच्छा मिले ना मिले अपने को बांग्लादेश पकड़ना है ठीक है। हमारी एक टूर्नामेंट की पहली टीम बांग्लादेश रहेगी, कुछ भी करे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कुछ भी करे आप बांग्लादेश पकड़ना, इनकी टीम अच्छा है, एक अच्छा खासा मैच देखने मिल सकता है, बड़पन रहेंगे बांग्लादेश के साथ ठीक है। इसका याद रखिएगा जैसे ही ये दोनों प्लेयर आउट हुए इनकी हालत टाइट हो जाएगी, फिर बहुत रेयर केस में मैच जीत सकते हैं ठीक है। इनके पास प्लेयर हैं बट फिर भी देखिए इनका मैच फिर से जैकपॉट बनने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं पाकिस्तान को कमजोर नहीं आकर। अब अभी मैंने ये इनका जो स्कोर कार्ड वगैरह देखा है इनके
इनका ये जो हुआ है ना वार्म अप, उसमें भी ये दोनों मैच आ रहे हैं, शायद स्कॉटलैंड से भी आ रहे हैं तो बांग्लादेश से भी शायद आ रहे हैं, सबसे हार के आ रहे थे, पर मेरे को पाकिस्तान से काफी कुछ उम्मीद है। इनके जो मेन प्लेयर रहेंगे मैं फिर बता दे रहा हूँ, फातिमा सना, निडा डार, आपके जो इनके स्पिनर्स हैं, ये दो तीन जो स्पिनर्स हैं ये आपको अच्छा करके देंगे, आलिया रियाज अच्छा करके देगी। बाकी बैटिंग पे आप कभी इनके भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सब बॉल बहुत ज्यादा खा जाते हैं, ठीक है। हाल ही में प्रदर्शन बहुत पुअर हुआ है इनका, बहुत खराब ये खेल रहे हैं, इनके नीचे के प्लेयर्स अच्छे हैं पर इनके स्पिनर्स बहुत सॉलिड है। सादिया इकबाल, नासरा संधु और निडा डार, ये तीन टॉप क्लास के स्पिनर्स हैं और कहीं ना कहीं फातिमा सना के पास वो एबिलिटी है हिटिंग करने की और रन भी रोकने की, तो ये टीम आपको जैकपॉट देने की पूरी हाई प्रोबेबिलिटी है। पर इनका जो ग्रुप है बहुत टाइट है, शायद इंडिया वाले ही ग्रुप में ना तो नहीं होने वाला इनका काम, ठीक है। और श्रीलंका एशिया कप चैंपियन ऐसे ही नहीं है, विश्वी अच्छा खेल रही हैं, चमारी अच्छा खेल रही हैं, ये टॉप क्लास की हर्षिता माधवी समारा विक्रमा इसका पूरा नाम है, अभी हाल ही में जो फाइनल में इन्होंने मैच खेला है। कविशा दिलारी वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर, हसिनी परेना, नीलाक्षी डिसिल्वा, ये सब बैटिंग कर लेते हैं, आप किसी पर शक नहीं कर सकते भैया क्या हो गया करके, ये मोटा मार लेती है, ये अच्छी खासी स्पिनर है, ये चाइना मैन स्पिनर है, प्रबोधिनी है, मेरे ख्याल से इन का रणवीरा को खिलाना चाहिए, एक जो इनकी ऑफ स्पिनर है जो आप देख लीजिएगा उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो उसको खिलाना चाहिए, तो इनकी टीम कमजोर तो कहीं से भी नहीं है। हाँ, पर ये अपनी बॉलिंग कमजोर कर रही है, फालतू के बॉलर्स को खिला के मेरे हिसाब से इनोका को खिलाना चाहिए, और जो इशोनी प्रभो एक करके हैं, इशोनी करके ऑफ स्पिनर है, उसको खिलाना चाहिए, बाकी जिसको भी खिलाएं अपन रहेंगे इनके साथ। प्रोडक्ट फिर देखते हुए आपको मिल सकता है, एक अच्छा खासा जैकपॉट मिल सकता है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से फुल हेल्प रहेगी, वुमेंस क्रिकेट में मेरे को कोई वो नहीं है, मैं पूरी आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट में क्या एक एक विकेट पे दो दो विकेट पे पूरा एक वन शॉट घुमा देता है, आपको पता होना चाहिए, जैसे चमारी आउट होगी ना आधे से ज्यादा रेट उधर ही घुमा देगा, ठीक है। तो कुछ मेन प्लेयर्स ये सब वुमेंस क्रिकेट उसी पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, तो फिलहाल तो दोनों टीम अच्छा कर रही है, ठीक है, पर अपन तो रहेंगे इनके साथ, होपफुली कोई भी प्लेयर आउट ना हुआ हो, मतलब गया ना हो, ये आप इन्हें हम इनके साथ रहेंगे, एक मैच ये लास्ट वाला हारे हैं, बट अपन इनके साथ रहेंगे, इनकी टीम में भी कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है, सब अच्छा कर रहे हैं, पर अपन रहेंगे रैना के साथ, ठीक है। कनाडा ओमान में देखा जाए तो ये टूर्नामेंट के मैच अच्छे बने, जैसा मैंने बोला था, बिकॉज विकेट्स जो है थोड़े स्लो रहेंगे, और जहां विकेट्स स्लो रहेंगे वहां आपको बैट बॉल दोनों में बराबर का मुकाबला देखने मिलेगा, सिंस मेरे समय पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, दोनों ही टीम अच्छी है, ठीक है। लास्ट मैच में इन्होंने चार छक्का मारा था, आपने खुद ही देखा होगा, शायद स्कोर कार्ड में मैंने देखा था, आपको मैच विन करा सकते हैं, बट सिंस कनाडा सारा ही मैच जीत रही है तो आप इन्हीं के साथ रहो, ठीक है, कनाडा के साथ आप रहो और मेरे को कुछ नहीं बोलना इसमें, ठीक है। और मणिपाल अल्टीमेट हैदराबाद टेबल बॉटम है, बट अपन इनके साथ रहेंगे, टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम मैं बता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, सारे क्रिकेटर एक नंबर क्रिकेटर है, ठीक है, आप किसी पे वो मत करिएगा, अगर ये चाहे तो सलीमुल्ला को थोड़ा जल्दी भेज सकते हैं, बाकी अगर ये चेस करेंगे तो आपको जैकपॉट जैकपॉट देते रहेंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट जैकपॉट दे सकते हैं चेस का, इनकी चेस पे शक मत कीजिएगा कि अरे भाई इतना रन चाहिए, क्योंकि अभी मैं पीछे देख रहा हूं यहां पे तो 300 रन बनना चाहिए, बाकी इनकी टीम दो में दो हार चुकी है, बकवास टीम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ रॉबिन उथप्पा इनके पास मेन प्लेयर है, बाकी ये सब प्लेयर खेल तो लेते हैं बट अपन भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, 7 तारीख से मैच है ये, आज कौन तारीख है, तो 2 ही तारीख है, तो इसको बाद में कर लेंगे, फोकट का इसका प्रेडिक्शन करने का सेंस नहीं है, अभी देखिए स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, इसको देखते हैं अभी, तो पहले मैं आपके लिए एकदम क्लियर कर देता हूं, कल से अपना दिन शुरू हो गया है, अपन गयाना, अपन बांग्लादेश, ठीक है, सारी चीज डिटेल में भी बता दी है, बांग्लादेश पूरे टूर्नामेंट में 20 ओवर खेलेगी तो सामने वाली हालत खराब कर देगी, बांग्लादेश पहली बॉलिंग करती है तो आप वाइड डबल एक्शन ट्राई कर सकते हैं, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, ये बात भूलिएगा मत, ठीक, अल्टीमेट हैदराबाद अपने से चेस करेंगे तो कुछ भी आपको चेस करके दे सकते हैं, ये जैकपॉट हैवी कॉल है। पाकिस्तान अगर अपनी बैटिंग अच्छी करती है तो इनकी बॉलिंग इतनी है कि डिफेंड कर सकते हैं, पर फिर भी अपन तो रहेंगे श्रीलंका के साथ, इनके मैच हमेशा अच्छे बनते हैं, याद रखिएगा, पाकिस्तान भी आपको उलटफेर करके दे सकती है, पर अपन तो रहेंगे श्रीलंका के साथ, ये मैच भी अच्छा बनेगा, आप कनाडा के साथ रहोगे, कल से आपको मैचेस बहुत तगड़े देखने हुए मिलेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आप वीडियो बन कर सकते हैं, अब टेस्ट वाला आ गया तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं ना, फिर ये ऊपर ऊपर चला जाता है और फिर मैं उतना ध्यान नहीं लगाता, ठीक है। तो पाकिस्तान अभी 2-0 बांग्लादेश से हार के आ रही है और वन ऑफ द बेस्ट टीम आप मानी रहे हो इंग्लैंड को, जैसे बेस्ट बॉल इन्होंने स्टार्ट किया, बेन स्टोक्स भी आ गए, लास्ट टूर्नामेंट में ही नहीं थे, पाकिस्तान में मैच हो रहा है तो विकेट्स तो आपको मालूम ही है कैसे होते हैं, पर सबसे प्लस पॉइंट यही है इंग्लैंड हमेशा विन के लिए जाता है, ठीक है, तो आपको ड्रॉ तो होते हुए मिलना नहीं है, ठीक है, मैचेस उसी तरह से रहेंगे, अपन एक बार टीम देख लेते हैं फटाफट से, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, सब बढ़िया क्रिकेटर हैं, सब टॉप क्लास के क्रिकेटर हैं, ठीक है, इनकी बॉलिंग लाइनअप में भी पता नहीं, मेरे को तो एक पसंद थे ओली रॉबिन्सन करके, उन्होंने लास्ट ईयर जो इनका टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान में भयंकर जैकपॉट दिए थे अपनी बॉलिंग से, अंदर की तरफ बॉल कटा रहे थे, मैंने आपको सारे मैच इंग्लैंड दिए थे, सारी मैच इंग्लैंड विन की थी, एकदम महा महा जैकपॉट हुआ था, बाकी ऐसा मेरे को पसंद नहीं है, पॉट्स वगैरह मेरे को पसंद नहीं है, गट असिस्टन अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये अपनी गलती करें, और ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है जो इंडिया के खिलाफ शायद पहला मैच खेला था, इन्होंने मैच जीता था, फिर ये चोटिल हो गया था, अरे चोटिल की वजह से इंग्लैंड को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई लेफ्ट आर्म का अच्छा स्पिनर इनको मिल नहीं रहा, तो जैक लीच बहुत तगड़ा गेंदबाज, याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर इन द वर्ल्ड, मैं बता रहा हूं, ना जाने कितने मैच इन्होंने अपनी बॉलिंग से जीता है इनको, ठीक है, एक बार इवन आयरलैंड के खिलाफ ओपन करके आए थे, वहां पर भी इन्होंने रन बनाए थे, तो बहुत तगड़ा गेंदबाज है ये, पर प्रॉब्लम क्या है, इसको चोटिल बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, रेहान अहमद अगर खेलेंगे तो सही है, शोएब बसीर मेरे को फिलहाल तो पसंद नहीं आते, ठीक है, जॉर्डन कॉक्स भी उतने पसंद नहीं है, ब्रैडन कास भी पता नहीं क्या टीम ले लेते हैं, पूरी ओडीआई की टीम ये ले लेते हैं, और ओली स्टोन भी मेरे को पसंद नहीं है, तो कुछ इनकी बॉलिंग लाइनअप मेरे को कुछ डाउटफुल लग रही है, ठीक है, पर इंग्लैंड इंग्लैंड है आपको मालूम है, पर अभी मैं बताऊंगा कौन जीतेगा, ऐसा नहीं हो बांग्लादेश से हार के आ गए तो सारा ही हारेंगे, आप सोचेंगे, ठीक है, एक बार टीम देखते हैं, सैम आयुब आपको अच्छा खासा रन बना के देंगे, अब्दुल्ला सफीक बढ़िया खेलते हैं, शान मसूद अच्छे हैं, बाबर रिजवान आप मालूम है, शौक शकील अच्छा रन बनाएंगे, आगा सलमान बहुत टॉप क्लास के ऑलराउंडर है, आमिर जमाल नीचे में मोटा मारेंगे और विकेट भी लेंगे, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबराम अहमद, और टॉप क्लास की टीम है फिलहाल, नौमान अली लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, बुढ़े हो गए, अब इनको कोई मेरे ख्याल से जो एक नाम मैंने आपको बताया था इनके जो क्या नाम था उसका अराफात मिन्हास, इन सबको डायरेक्ट टेस्ट में लेना चाहिए, जैसे इंग्लैंड ने पूरा चेंज किया है, ताकि वो ऑलराउंडर भी है, अच्छे लेफ्ट आर्म के स्पिनर भी, अगर आप उसको एक अच्छा स्पिनर बनाओगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है, ठीक है, अभी हाल ही में कितनी भयंकर बॉलिंग उन्होंने की है, मीर हमजा विकेट लेते हैं, मोहम्मद हुरारिया मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनका जो
एक तरह से जो खड़े होते हैं वो एक तरफ ही खड़े रह जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बॉल स्विंग आती है आउट हो जाते हैं, ना जाने कितनी बार मैंने इनको देखा है, बहुत ज्यादा टेढ़ा मुंह करके खेलते हैं और ये मेरे को एकदम ही समझ नहीं आ रहा है कि उनका क्यों सिलेक्शन हुआ। मेरे को अभी भी बहुत डाउट है मोहम्मद हुरारिया पे, इससे बेटर तो ये जो इनके जो ओपनर थे इतने बड़े बड़े अभी जितना भर भर के इन्होंने रन बनाए उन सबको लेना चाहिए। अब इनके सेलेक्टर्स क्या करते हैं मेरे को नहीं पता। सरफराज, मैं बार बार बोलता हूँ, सरफराज अहमद को तो कप्तानी देनी चाहिए। मतलब लास्ट टूर्नामेंट में भी शान मसूद इनसे पूछ रहे थे कहाँ पर फील्डिंग रखाएगी, ये बता भी रहे थे, मान भी नहीं रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ भाई आप इतना डाउट क्यों क्रिएट कर रहे हो दो दो विकेट कीपर रख करके। मैं बोल रहा हूँ भैया रिजवान को एज अ प्लेयर मान लो ना, रिजवान को एज अ बैट्समैन मान लो, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्यों सोचते हो कि जो विकेट कीपर है विकेट कीपर ही की तरह खेलेगा? ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा ना, आपके पास बढ़िया प्लेयर नहीं था, रिजवान को एज अ बैट्समैन खिलाओ, इसको एज अ कैप्टन खिलाओ, ये सारे मैच आ रहे हैं अपने कप्तानी में। तो देखिए डाउट तो बहुत सारा है, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर डाउट तो पड़ता है, बट मेरे को ये है कि ये टूर्नामेंट भी इंटरेस्टिंग बन सकता है, हैवी प्रोबेबिलिटी है। इंग्लैंड की टीम मार के खेलेगी, सबको लगेगा ये शायद नहीं जीत पाएंगे, बट एक चांस इनका भी बनता है। नसीम शाह, शाहीन शाह फरीदी, मेरे को लगता है इन सबको भर भर के विकेट्स लेने चाहिए, विकेट्स थोड़े से टफ बनेंगे तो बेटर रहेगा। लास्ट ईयर का जो टूर्नामेंट था बहुत तगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में, क्या ओपन होगा क्या नहीं होगा मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लैंड भी मार के ही खेलेगा, पाकिस्तान भी अच्छी ही टीम है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी ना पूरा एक वर्ल्ड कप बता रहा हूँ आपको। देखिए जो लास्ट टूर्नामेंट इनका हुआ था ना, इंग्लैंड ने 3-0 से इनको हराया था, ये पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है, और तीन में से भयंकर दो मैच, तीन मैच काफी अच्छे बने थे, तगड़े मैच बने थे, एकदम महाजयकोट आप मान के चलो। एक में पाकिस्तान 26 रन से हारता है, एक में ऑलमोस्ट 74 रन से आता है, तो मैच काफी बढ़िया बने थे इनके बीच में, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ प्रेडिक्शन करने, और जो प्रेडिक्शन होगी वो हमारी होगी पाकिस्तान के साथ आप रहोगे, ठीक है। बहुत सोच के मैंने बताया है, आप तीनों टेस्ट में मतलब आपको करना क्या है, इंग्लैंड ले करना है, ठीक है, ड्रॉ तो होना नहीं है क्योंकि इंग्लैंड मैच विन के लिए करेंगे, और इंग्लैंड को आप अगेंस्ट जा सकते हो। अपनी टीम इस टूर्नामेंट के लिए बहुत अलग हट के आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार के आ रहा है, पाकिस्तान एकदम भयंकर परफॉर्म कर रहा है, पुअर हर जगह, वर्ल्ड कप से लेकर सब कुछ, ठीक है। पर अब पाकिस्तान मेरे हिसाब से अच्छा करना चाहिए इनको, ठीक है, उसके पीछे रीजन है, ठीक है, बहुत सारा सोच साझ के मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लैंड को अगेंस्ट सोचना भी बड़ी बात है, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, 90 ओवर पहला दिन ही खेलेंगे तो 400-450 बना देंगे, पर अपन रहेंगे किसके साथ, अपन रहेंगे पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तीनों टेस्ट में आप पाकिस्तान पकड़ोगे, हैवी मतलब मैच देखिए, प्लस पॉइंट क्या है, इंग्लैंड ड्रॉ के लिए नहीं खेलेगा, तो ड्रॉ तो होना नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर केस में अगर ड्रॉ हो गया तो वो कहीं से भी मैच डिक्लेयर कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ ले करना है, और आप मान के चलो इंग्लैंड के अगेंस्ट रहना है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, तीन टेस्ट आप पाकिस्तान पकड़ना, निराश नहीं निकलोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा। टूर्नामेंट बहुत तगड़ा टूर्नामेंट हो सकता है, वही बात है हर बार की तरह, मेरे हिसाब से जिस हिसाब की इधर भी मैंने पाकिस्तान की पिचेस देखी है ना, थोड़ी सी ट्रिकी पिच बन रही है, ठीक है, अभी किस हिसाब की बनाएंगे मेरे को पता नहीं, पर अपन रहेंगे पाकिस्तान पकड़ेंगे, ठीक है। तो तीनों टेस्ट अपन पाकिस्तान पकड़ेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ।